आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। ये केक बिना अंडे का कढ़ाई में बनाया है और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए कस्टर्ड केक कैसे बनाते हैं। पहले जिस बर्तन में हम केक बेक करेंगे उसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ब्रश से इसको ग्रीस कर लिया है मैंने। अब इसमें एक चम्मच मैदा डाल के इसकी अच्छी सी डस्टिंग कर लेंगे। मैदा को पूरे में फैला लेंगे जिससे कि ये चिपक जाएगा। ये देखिए पूरे पे मैदा अच्छी तरह से फैल चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच टूटी फ्रूटी और इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसे भी डस्ट कर लेते हैं। अब चलिए बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने 1/4 कप तेल। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से 2 मिनट तक इसको फेंटते हुए मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप मैदा, 1/3 कप कस्टर्ड, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो चलिए बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालने से गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ठंडा दूध लिया है और इसी से ये बैटर बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी कस्टर्ड केक बनाएं तो इसका बैटर बनाने के लिए ठंडा दूध का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से पूरा 1 कप दूध यहाँ पे लग जाएगा इसका बैटर बनाने में। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा 1 कप दूध इस्तेमाल कर लिया है और मिक्स करते हुए बहुत ही बढ़िया सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बैटर बन के तैयार हो गया है। तो बैटर को इस तरह से चेक करते हैं, ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। ये देखिए, तो अब ये बैटर परफेक्ट है। तो इसमें हम डालेंगे टूटी फ्रूटी जिसे मैदे से डस्ट कर लिया था। टूटी फ्रूटी डालने से कस्टर्ड केक बहुत टेस्टी बनता है। इसे भी मिक्स कर लेंगे बैटर में और बिना देर किए हुए अब हम इसे जो बर्तन हमने घी से ग्रीस करके रखा था उसमें डालेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया बैटर बना है। ये केक बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। तो सारा बैटर मोल्ड में डाल देने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे जिससे कि ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो बस अब देर किस बात की, चलिए इसे पका लेते हैं। कढ़ाई को 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था तो ये अच्छी तरह से अब गर्म हो चुका है। सावधानी से इसमें हम तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे और ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सावधानी से डालें और इसे ढक के 35 से 40 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो 30 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी ये केक बनके तैयार हो चुका है। तो मैं इससे ज़्यादा इसे और नहीं पकाऊंगी। तो ये 30 मिनट में ये केक बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चाकू या फिर टूथपिक की मदद से इस तरह से बीच में हम चेक करेंगे इसे डालते हुए। ये देखिए पूरा क्लीन निकला है चाकू। तो अब ये केक रेडी हो चुका है। तो 10 से 15 मिनट बाद अभी ये केक ठंडा हो गया है। तो इसे किनारे से इस तरह से चाकू की मदद से लूज़ कर लेते हैं और इसके बाद इसे पलट के हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो एक प्लेट पे इसे इस तरह से पलट लेते हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए अभी इसे सीधा कर लेते हैं।
कितना बढ़िया केक बनके तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और फुला हुआ केक है। ये देखिए मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट केक है ये। कटने के बाद मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देख के आपको पता चलेगा कितना सॉफ्ट है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, आसान है इसे बनाना। और अब ये दिखाती हूँ मैं आपको नज़दीक से कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए दबा के दिखाती हूँ, बिल्कुल रुई जैसा बनके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट और खाने में उतना ही टेस्टी होता है ये। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका ये केक खाने का मन करे तो टूटी फ्रूटी कस्टर्ड केक बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए।